कक्षा सात हिंदी में दोहा अष्टक, इसमें हमने कबीर जी तुलसीदास के दोहे सीखे। आज हम रहीम के दोहे सीखने जा रहे हैं। रहीम के दोहे, पहले रहीम का पूरा नाम, तो रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। कभी कभी पूछा जाता है तो हमको पता होना चाहिए कि रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी ने हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर और बोधप्रद दोहे लिखे जो हमें जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। पहले हम इस रहीम के दोहे का गान करेंगे और बाद में उसकी समझौती देखेंगे। तो आपको भी गाना है, रहीम दागा प्रेम का मत तोड़ो झटका, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीम जी जुड़े गांठ पड़ जाए, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिया ही न जाए। तो यहां पे रहीम ने कहा है कि रहीम ने धागा प्रेम का, धागा यानी डोरा और चटका है, तो चटका यानी सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, यहां पे खींच कर झटके से यह शब्द का प्रयोग है इसका। तो रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ रहीम ने कहा है कि लोगों में जो आपस आपस का प्रेम है, वो प्रेम में जो थोड़ी सी भी अनबन हो जाए या मन में कोई अनबन हो जाए तो वो फिर से जैसा है वैसा नहीं होता। यह रहीम ने हमें समझाया। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ना, यह एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो उसमें एक गांठ हो जाती है, यानी कि प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसीलिए किसी के मन में भी थोड़ी भी अनबन हो या किसी और के प्रति हमें कोई दुख हो तो इससे उसे प्रेम से समझाना चाहिए, ना कि झटके से या खींच कर उसे तोड़ दिया जाए या क्रोध में आवेश में आकर उसे कुछ बोला जाए और वह आपस आपस में जो अनबन होती है और नफरत पैदा होती है, फिर उसमें चाहे कितना भी प्रयत्न करिए लेकिन वो फिर जैसा हो वैसे प्रेम की मिठास नहीं होती। तो हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिया ही न पानी, कही रहीम पर काज है संपत्ति संचयी सुजान। तरु यानी कि वृक्ष पे, सरोवर यानी कि सरोवर जलाशय, पियहीन पानी पानी नहीं पीता, कही रहीम पर काज है, पर काज यानी परोपकार, किसी के लिए कुछ कर दिखाए वही परोपकार, परोपकार जिसका शब्द यहाँ लिखा है जो परकार यानी परोपकार यानी उनकी भलाई करना। संपत्ति संचय सुजान,
चतुर। तो रहीम जी कहते अपने लिए तो सब करते, खुद के लिए तो करते हैं, लेकिन किसी और के लिए कोई भलाई का काम करे या किसी की मदद करे वही काम हमारा काम होता है। अपने लिए तो सब करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यार तरुवर सरोवर का जो उदाहरण दिए गए, तरुवर यानी कि पेड़ वृक्ष, पेड़ कितना भी बड़ा हो वो अपने फल खुद नहीं खाता, हमसे कंकर मारते हैं फिर भी वो कंकर या पीड़ा दुख सहन करके भी हमें फल देता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी की पीड़ा भुगत नहीं सकते, और कोई हमें दुखी करता है तो बदले में हम भी उसे बदला ही देते हैं। तो यहाँ पे तरुवर का उदाहरण देकर रहीम जी ने समझाया है कि तरुवर यानी कि पेड़ ऐसा है जो हमें बिना स्वार्थ को फल देता है, वो धूप छाव बारिश ये सब सहन करके भी, कितनी भी ठंडी हो, कितना भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, तूफान हो, उसमें वो सहन करके हमें फल और छाव देता है। वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करता। उसी तरह सरोवर की बात की गई कि सरोवर वो अपना पानी खुद नहीं पीता, दूसरों को मुसाफिर हो या कोई प्राणी हो पक्षी हो सभी की प्यास बुझाता है, और सरोवर का पानी के हमें वो प्यास बुझती है। वहाँ हम गंदा कचरा भी डालते हैं, हमारे पशु नहलाते हैं, हम भी कपड़े धोते हैं, फिर भी वो हमें मना नहीं करता और पानी भी देने को मना नहीं करता। हम ऐसा कुछ सहन नहीं कर सकते। तो मनुष्य को भी यह पेड़ और सरोवर से वो सीख लेनी चाहिए, वो सीख लेनी चाहिए कि हमें तरोवर और सरोवर की तरह बनना चाहिए। कहीं रहीम पर काज संपत्ति संचय से जाने। तो रहीम जी कहते कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी तरह सज्जन दूसरों की भला करने के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते। हमारे पास जो संपत्ति है वो संपत्ति दूसरों का भला करने के लिए काम ना आवे तो भला इस संपत्ति का हम क्या काम करेंगे। तो हमें भी परोपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। आगे रहीम ने देखी बड़े नगो लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवेश में कहाँ करे तलवार। देखी बड़े नगो, बड़े ने यानी कि बड़ा, तलवार यानी कि तलवार, दारी यानी कि धागा, सुई यानी कि वो हम फटे हुए कपड़े सिलते हैं वो सुई। रहीम ने देखी बड़े नगो लघु न दीजिए डारी, रहीम जी ऐसा कहते कि हमें बड़े बड़े चीज देखकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे टालना या त्याग देना नहीं चाहिए। जहाँ छोटी चीज काम कर सकती है वहाँ कितनी भी बड़ी चीज हमारे पास हो लेकिन वो छोटी चीज का काम नहीं कर सकती। इसीलिए सभी चीजों का महत्व एक जैसा ही है, छोटे को छोटे की जगह और बड़ों का बड़ों की जगह। रहीम जी कहते कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम करती है वहाँ हमारे पास कितनी भी बड़ी तलवार हो लेकिन तलवार से सुई का काम नहीं होता। सुई जो फटे हुए कपड़े को सिलती है वहाँ हम ऐसा मानते हैं कि सुई छोटी है, इसकी जगह हम बड़ी चीज ले ले यानी कि तलवार ले ले, तो क्या तलवार सुई का काम कर सकती है? नहीं कर सकती। इसीलिए हमें भी आपस आपस में बड़े लोगों से प्रभावित होकर, बड़े लोगों की बातों में आकर, बड़े लोगों को ही मान देना या उसको ही पद देना ऐसा नहीं। छोटे लोग भी इतने ही काम के हैं, इतने ही उनका महत्व है जितना बड़े लोगों का है। तो रहीम जी के इस दोहे को हम हमारे जीवन में उतारेंगे और सीख लेंगे और हमारा जीवन भी रहीम की बातों पर से हमें अच्छा सा ज्ञान मिलता है। इसके बाद यहाँ पे हम ये दोहे पूर्ण करते हैं, आपको अब पीडीएफ भेजी जाएगी, इस दोहे की भी समझौती आपको लिखनी है।